Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7, chapter 12, exercise 12.1. We have already discussed introduction of this chapter. You can watch that video on my channel's playlist for class 7. So let's discuss exercise 12.1. So our first question is, give an algebraic expression in the following cases using variable, constant and arithmetic operators. फर्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपको राइट करना है, लिखना है. किसका यूज़ करके? वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का. अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये क्या होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस. सो वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करके हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को राइट करना है. सो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट कनेक्टेड बाय साइन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का और कॉन्स्टेंट का, जिनको कनेक्ट किया जाता है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से. ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल 7x, 3y प्लस 4, माइनस 4y माइनस 6z, m बाई 5, ये सभी क्या है हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. इनमें किनका यूज हुआ है स्टूडेंट्स? वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट. वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंबल्स विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. वेरियस वैल्यूज ले सकते हैं वेरिएबल, इनकी वैल्यू वेरी करती है, दैट मीन्स चेंज करती है, और इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है. इनको किसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? इंग्लिश अल्फाबेट किस स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं? ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड, इस टाइप से. और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सिंबल्स हुज वैल्यूज आर फिक्स्ड. ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे कॉन्स्टेंट. सो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को हम जब हम ज्वाइन करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके स्टूडेंट, जिस टाइप से ये हमारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को राइट करना है. कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. वाई में से हमें जेड को क्या करना है स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट. तो कैसे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स? वाई माइनस जेड. ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट जेड फ्रॉम वाई, दैट मीन्स वाई में से हमें जेड को सब्ट्रैक्ट करना है. तो कैसे राइट करेंगे? वाई माइनस जेड. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर एक्सप्रेशन. सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? वन हाफ ऑफ सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई. वन हाफ करना है हमें, किसका करना है स्टूडेंट्स? सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई. एक्स और वाई का सम करके हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? उसका वन हाफ करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, वन हाफ हम बाद में करेंगे, पहले हमें वन हाफ किसका करना है स्टूडेंट्स? एक्स और वाई के सम का. सो एक्स और वाई को का सम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? एक्स प्लस वाई. ओके स्टूडेंट्स, और अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? वन हाफ, दैट मीन्स इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? वन हाफ, दैट मीन्स वन बाय टू. सो दिस इज आवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. जेड को हमें मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ से, दैट मीन्स इस खुद से. कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जेड मल्टीप्लाई विद जेड. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी टाइप से आप रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. इसके लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. क्या स्टूडेंट्स? ए और बी नंबर्स हैं, उनका सम, उसके सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. किसमें से स्टूडेंट्स? देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट में से. प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ए मल्टीप्लाई विद बी. इसके प्रोडक्ट में से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट करना है. किसको सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स? सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी. ए एंड बी का हमें सम करना है. सम करके हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स? दोनों के प्रोडक्ट में से. सो सम को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? ए प्लस बी. प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? ए मल्टीप्लाई विद बी. और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट करना है. किसको? दोनों के सम को, इनके प्रोडक्ट में से. प्रोडक्ट को हमने ऐसे लिखा और सम को ऐसे लिखा, सो सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इनके प्रोडक्ट में से. ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम एक्सप्रेशन को राइट करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. शो दैट टर्म एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम.
हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को और फैक्टर्स को। ये हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें क्या करना है इनमें से टर्म्स को बताना है कौन सी टर्म है और कौन से फैक्टर्स बनेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। टर्म्स और फैक्टर्स को हमें ट्री डायग्राम की हेल्प से शो करना है। सो इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारा बेसिक जो वीडियो है इंट्रोडक्शन का उसको देखेंगे स्टूडेंट्स आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स किस टाइप से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन कौन सा है, x माइनस थ्री। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सी टर्म है, एक x है और एक माइनस थ्री। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हमारा एक्सप्रेशन है और इसमें कितनी टर्म है स्टूडेंट्स, टू टर्म है जो माइनस के साइन से डिफर हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेपरेट हो रही हैं। सो x और सेकेंड टर्म क्या है हमारी, माइनस थ्री। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसके कोई फैक्टर नहीं है। सो x माइनस थ्री हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। और x और माइनस थ्री कितनी टर्म है स्टूडेंट्स, इसमें टू टर्म है। जिसमें टू टर्म होती है ऐसे एक्सप्रेशन को कौन सा एक्सप्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सो इसमें कितनी टर्म है, टू, ये x और माइनस थ्री, ये क्या है टर्म्स और x माइनस थ्री क्या है यहाँ पे एक्सप्रेशन। हम इसके ही पार्ट को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन के। इसमें क्या गिवन है एक्सप्रेशन, माइनस ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन। क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सप्रेशन। हम इसको ट्री डायग्राम की हेल्प से शो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, टर्म्स और फैक्टर्स और एक्सप्रेशन को। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे कितनी टर्म है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म माइनस ए बी, सेकेंड टर्म टू बी स्क्वायर, थर्ड टर्म इज माइनस थ्री ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कितनी टर्म है यहाँ पे, थ्री, वन टू थ्री। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, माइनस ए बी, सेकेंड टू बी स्क्वायर, थर्ड माइनस थ्री ए स्क्वायर। एक बात आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन है तो आप सिंपल टू लेंगे जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन माइनस का साइन है एक्सप्रेशन में तो हमें माइनस के साइन को जिस टर्म के साथ है उसके साथ हमें माइनस के साइन को भी लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो माइनस ए बी, टू बी स्क्वायर और माइनस थ्री स्क्वायर, ये क्या है टर्म्स। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स। सो माइनस ए बी को कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस ए बी को कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाई विद ए मल्टीप्लाई विद बी। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टर यहाँ पे क्या बनेंगे, माइनस वन ए और बी। सो माइनस वन ए बी, जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये तीन हमारे क्या है फैक्टर्स, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, माइनस ए बी, यह हमें टर्म मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, किसकी टर्म, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें इसकी टर्म। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही टू बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, टू बी और बी, बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बी मल्टीप्लाई विद बी, और टू साथ में है दैट मीन्स टू मल्टीप्लाई विद बी मल्टीप्लाई विद बी। ओके स्टूडेंट्स, सो फैक्टर क्या बनेंगे, टू बी एंड बी, जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, टू बी स्क्वायर। सो टू बी बी, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स, किसके, सेकेंड टर्म के। ओके स्टूडेंट्स, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, माइनस थ्री ए स्क्वायर। सो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, माइनस थ्री ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री मल्टीप्लाई विद ए मल्टीप्लाई विद ए। ओके स्टूडेंट्स, ए ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई विद ए। सो माइनस थ्री ए और ए, माइनस थ्री ए और ए हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं, कौन से टर्म के, माइनस थ्री ए स्क्वायर, जो कि हमारे पास थर्ड टर्म है गिवन एक्सप्रेशन की। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, एक्सप्रेशन, कितनी टर्म है इसमें, वन टू थ्री, माइनस ए बी माइनस प्लस टू बी स्क्वायर और माइनस थ्री ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इनके फैक्टर्स को हमें इस टाइप से लिखना होता है। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट टर्म और थर्ड में क्या मिलेंगे हमें, फैक्टर्स। सो ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ट्री डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ द टर्म अदर देन कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स को अदर देन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हमारे पास कितने टाइप के कोफिशियंट होते हैं स्टूडेंट्स, टू टाइप के, फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट, सेकेंड इज न्यूमेरिकल। सो हमें कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स को नहीं, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ये हमें एक्सप्रेशंस गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल्स होते हैं वही हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, 5 - 3t². ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, और -3t² यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा स्टूडेंट्स, t². सो 5 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है। कितनी टर्म है यहाँ पे, 2 टर्म्स है एक्सप्रेशन में। 5 हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या स्टूडेंट्स, t². तो हमारे पास टर्म कौन सी लेनी है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी टर्म को आइडेंटिफाई करना है, टर्म विद वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरिएबल कौन सी टर्म के साथ है, सेकंड टर्म के साथ। कौन सी टर्म है स्टूडेंट्स, ये -3t². ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोफिशियंट बताना है। सो टर्म विद वेरिएबल कौन सी है स्टूडेंट्स, -3t², और ये जो टर्म है इसका कोफिशियंट कितना है स्टूडेंट्स, -3। ओके स्टूडेंट्स, सो कोफिशियंट कितना है, -3। एक और पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, 0.1y + 0.01y². तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी टर्म है, 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, 0.1y, ये वेरिएबल के साथ है क्योंकि टर्म विद वेरिएबल हमें फाइंड आउट करनी थी, सो 0.1y, और सेकंड टर्म विद वेरिएबल कौन सी है स्टूडेंट्स, 0.01y². ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, कोफिशियंट। सो यहाँ पे y का कोफिशियंट कितना है स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टेंट है ये हमारा y का क्या है, कोफिशियंट। तो कितना स्टूडेंट्स, 0.1, और यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है स्टूडेंट्स, 0.01। सो सेकंड कोफिशियंट क्या बनेगा, 0.01। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से आपको टेबल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको क्लासीफाई करना है स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इनको, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। दैट मीन्स कौन सा एक्सप्रेशन हमारा मोलिनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल और कौन सा ट्राइनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, मोनोमियल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होती है। बाइनोमियल जिसमें 2 अनलाइक टर्म होती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 अनलाइक टर्म होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या स्टूडेंट्स, 4y - 7z, तो दोनों के क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। सो टर्म कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2, 2 टर्म है। सो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होती है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा बाइनोमियल। सो आंसर हमारा क्या बनेगा, बाइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, हमारी सिंगल टर्म है। सो सिंगल टर्म जो होती है ऐसे एक्सप्रेशन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे मोनोमियल। सो इसके लिए हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, मोनोमियल। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कितनी टर्म है, 1x + y - xy। सो एक्स वाई और एक्स वाई तीनों डिफरेंट हैं, अनलाइक टर्म है, और कितनी टर्म है, 1, 2, 3 टर्म है। सो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होती हैं कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वो ट्राइनोमियल। सो इसके लिए हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल। सो आपको इसी टाइप से क्लासिफाई करना है, यू कैन डू ऑल पार्ट्स वेरी इजीली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द गिवन ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। आपको बताना है स्टूडेंट्स ये जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, 2 एक्सप्रेशंस यहाँ पे गिवन है, आपको बताना है क्या ये लाइक टर्म है या फिर अनलाइक टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 7। ओके स्टूडेंट्स, सो वन मोर टाइम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म कौन सी होती हैं, टर्म हैविंग सेम एलजेब्रिक फैक्टर्स, ऐसी टर्म जिसके सेम एलजेब्रिक फैक्टर्स हों। एलजेब्रिक फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अदर देन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को छोड़ के जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे 8xy - 100xy। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एलजेब्रिक फैक्टर्स क्या हैं, एक्स वाई कॉन्स्टेंट को अलग करते हैं, 8 को अलग करते हैं और एक्स वाई को अलग करते हैं। तो एक्स वाई क्या है यहाँ पे, एलजेब्रिक फैक्टर। इसी टाइप से -100 को अलग करते हैं और एक्स वाई को अलग करते हैं। सो यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है। सो बोथ टर्म हमारी कैसी हैं, लाइक टर्म। ओके स्टूडेंट्स, लाइक टर्म में क्या होता है, एलजेब्रिक फैक्टर्स जो हैं हमारे
सेम होते हैं। और अनलाइक टर्म कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, टर्म हैविंग डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर, ऐसी टर्म जिसके डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर हो, जैसे 7xy और 5x। तो यहाँ पे 7 को अलग करते हैं स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है xy, और सेकंड टर्म जो है 5x, इसमें एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है x। सो ये दोनों क्या है हमारी अनलाइक टर्म। सो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि कौन से हमारी लाइक टर्म है और कौन से हमारी अनलाइक टर्म है। सो देखिए स्टूडेंट किस टाइप से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 1 और 100। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या इसमें कोई वेरिएबल यूज़ हुआ है, नो स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्स्टेंट है और 100 भी हमारा कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स है, कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी कुछ नहीं इनके साथ। सो ये हमारे दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है। सो दोनों कैसे कैसे कौन सी किस टाइप की टर्म है स्टूडेंट्स, दोनों हमारी लाइक टर्म्स, कैसी टर्म है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं -7x और 5/2x। तो देखिए स्टूडेंट्स वेरिएबल को चेक करते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर जो हमारा है एल्जेब्रिक फैक्टर है, यहाँ पे एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है x, और यहाँ पे भी कितना स्टूडेंट्स x, सो दोनों हमारी x में टर्म है। सो ये भी हमारा कैसा कैसी टर्म है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म। ओके स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे देखते हैं 4m² p 4mp² तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है m रेज टू पावर 2 है, m स्क्वेयर p है, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स 4mp² तो दोनों क्या है स्टूडेंट्स एल्जेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट हैं। तो कैसा कैसी टर्म है स्टूडेंट्स, ये हमारी अनलाइक टर्म्स, कैसी टर्म है स्टूडेंट्स, अनलाइक टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स आपको इस टाइप से आंसर देना है, रिमेनिंग क्वेश्चन को आप इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कौन सी हमारी लाइक टर्म्स हैं उनका हमें पता लगाना है। सो सेवन्थ के बी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है एल्जेब्रिक फैक्टर्स को देखना है, जहाँ पे भी एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम हो वो ऐसी टर्म हमारी क्या होंगी, लाइक टर्म। ओके स्टूडेंट्स जैसे हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 10pq, तो अब हमें नेक्स्ट टर्म ऐसे ढूंढनी है जिसका एल्जेब्रिक फैक्टर pq हो, यानी जिसके साथ मल्टीप्लाई में pq हो। ओके स्टूडेंट्स सो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 10pq, इसकी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स लाइक टर्म को फाइंड आउट करना है। लाइक टर्म कौन सी होगी स्टूडेंट्स, जिसके साथ पी क्यू मल्टीप्लाई में होगा, और यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी नंबर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स सो सेकंड में क्या स्टूडेंट्स पी, ये दोनों डिफरेंट हैं एल्जेब्रिक फैक्टर्स, यहाँ पे क्या है क्यू भी पी क्यू के इक्वल नहीं है, यहाँ पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर है, और यहाँ क्या स्टूडेंट्स -7qp। तो देखिए स्टूडेंट्स पी मल्टीप्लाई विद क्यू लिखें या फिर क्यू मल्टीप्लाई विद पी लिखें, दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स सो यहाँ पे क्या है 10pq और यहाँ क्या है -7qp, सो दोनों के एल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या हैं स्टूडेंट्स सेम हैं, तो ये दोनों हमारी क्या बन गई स्टूडेंट्स लाइक टर्म। और भी हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कंप्लीट जो टर्म्स लिखी हुई हैं सारी टर्म्स में से हमें लाइक टर्म्स को अलग करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स सो सेकंड हमारी ये टर्म बन गई किसके लिए पी क्यू के लिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्यू है ये कॉन्स्टेंट है, पी स्केयर क्यू स्केयर पी स्केयर 41p, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 78qp, तो यहाँ पे भी क्यू पी या फिर पी क्यू दोनों सेम होते हैं, सो ये भी हमारी क्या बनेगी स्टूडेंट्स लाइक टर्म बनेगी किसकी 10pq की, नेक्स्ट पी स्केयर क्यू क्यू पी स्केयर और 701p². सो पी क्यू जो हमारा एल्जेब्रिक फैक्टर है इसकी लाइक टर्म कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स 10pq -7qp और 78qp। ओके स्टूडेंट्स सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स इन टर्म को एक साथ लिखना है इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम दूसरे एल्जेब्रिक फैक्टर के लिए लाइक टर्म को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स हमारी 7p, यानी पी के पी जो हमारा एल्जेब्रिक फैक्टर है हमें ऐसे टर्म्स को फाइंड आउट करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई में पी हो। ओके स्टूडेंट्स सो 7p
यहाँ पे तो क्यू है, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर पी क्यू क्यू माइनस 23 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर 5 पी स्क्वेयर 41 यहाँ पे 2405 पी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी सेकंड टर्म बनेगी और थर्ड टर्म कहीं पे पी और नहीं है। सो पी के लिए 7p की हमारी लाइक टर्म कौन सी बनेगी, 7p और 2405p। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी क्या बनेगी, लाइक टर्म, और इनको हमें एक साथ लिखना है इस टाइप से स्टूडेंट्स, 7p 2405p। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारी लाइक टर्म बन गई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारी पी क्यू के लिए 3 लाइक टर्म बनी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा नेक्स्ट टर्म है 8q। सो अब हमें ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है जिसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो, क्यू। ओके स्टूडेंट्स, क्यू हमारा क्या हो, एलजेब्रिक फैक्टर। सो 8q क्यू की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस 100 क्यू 8q माइनस 100 क्यू। और कोई टर्म है स्टूडेंट्स यहाँ पे, नो। सो कौन सी टर्म होंगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, यहाँ पे टर्म बनेगी 8q एंड माइनस 100 क्यू। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अब हम पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर के लिए लाइक टर्म ढूंढेंगे। सो माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 12 क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर, क्योंकि पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर। सो ये टर्म बनेगी हमारी नेक्स्ट, बस ये दोनों टर्म बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट हम किसके लिए ढूंढेंगे स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट टर्म को फाइंड आउट करेंगे, माइनस 23 और 41। ओके स्टूडेंट्स, और जो बच गया और क्या बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर क्यू पी पी स्क्वेयर क्यू, पी स्क्वेयर क्यू की भी हमें हमने फाइंड आउट कर ली थी। सो क्यू पी स्क्वेयर इसके लिए भी हम लाइक टर्म को फाइंड आउट करेंगे। सो हमारी कौन सी लाइक टर्म बनेगी स्टूडेंट्स इस टाइप से, 10pq माइनस 7qp 78qp, ये pq के लिए लाइक टर्म है। 7p 2405p ये p के लिए लाइक टर्म है। 8q माइनस 100q ये हमारी q के लिए। माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर 12pq² पी स्क्वेयर ये पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर के लिए। और माइनस 2341 ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है। माइनस 5p² 701 पी स्क्वेयर ये पी स्क्वेयर के लिए लाइक टर्म है। और 13p² क्यू और क्यू पी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी कौन से अलजेब्रिक फैक्टर के रिस्पेक्ट में है, पी स्क्वेयर क्यू के रिस्पेक्ट में लाइक टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।